लियारी गैंगवार के मरकजी किरदार उजैर बलोच की जीआईटी रिपोर्ट सामने आ गई। उजैर बलोच का 198 कत्ल की वारदातों का एतराफ। जीआईटी में उजैर बलोच के 20 से ज्यादा दोस्तों के नाम शामिल। पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का जिक्र मौजूद नहीं। हुकूमत ने 18वीं तरमीम को छेड़े बगैर एनएफसी अवार्ड में तब्दीली की हिकमत अमली बना ली। नए फार्मूले के तहत सिक्योरिटी, साबिक पाटा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 3-3% निकालने की तजवीज। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमती फार्मूला मुस्तरद कर दिया। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। हुकूमत का ईद उल अज़हा के पेश नजर सरकारी मुलाजमीन को 25 जुलाई तक तनख्वाहें अदा करने का फैसला। लियारी गैंगवार के मरकजी किरदार उजैर बलोच की जीआईटी रिपोर्ट सामने आ गई। उजैर बलोच का 198 कत्ल की वारदातों का एतराफ। जीआईटी में उजैर बलोच के 20 से ज्यादा दोस्तों के नाम शामिल। पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का जिक्र मौजूद नहीं। हुकूमत ने 18वीं तरमीम को छेड़े बगैर एनएफसी अवार्ड में तब्दीली की हिकमत अमली बना ली। नए फार्मूले के तहत सिक्योरिटी, साबिक पाटा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 3-3% निकालने की तजवीज। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमती फार्मूला मुस्तरद कर दिया। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। हुकूमत का ईद उल अज़हा के पेश नजर सरकारी मुलाजमीन को 25 जुलाई तक तनख्वाहें अदा करने का फैसला। लियारी गैंगवार के मरकजी किरदार उजैर बलोच की जीआईटी रिपोर्ट सामने आ गई। उजैर बलोच का 198 कत्ल की वारदातों का एतराफ। जीआईटी में उजैर बलोच के 20 से ज्यादा दोस्तों के नाम शामिल। पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का जिक्र मौजूद नहीं। हुकूमत ने 18वीं तरमीम को छेड़े बगैर एनएफसी अवार्ड में तब्दीली की हिकमत अमली बना ली। नए फार्मूले के तहत सिक्योरिटी, साबिक पाटा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 3-3% निकालने की तजवीज। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमती फार्मूला मुस्तरद कर दिया। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। हुकूमत का ईद उल अज़हा के पेश नजर सरकारी मुलाजमीन को 25 जुलाई तक तनख्वाहें अदा करने का फैसला।